हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशी और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ फ्रेंड्स कि अगर इंस्टाग्राम से आप क्लोज फ्रेंड स्टोरी लगाते हैं और स्टोरी लगाने के बाद है फ्रेंड्स आप उसे डिलीट कर देते हैं, तो डिलीट करने के बाद है फ्रेंड्स अगर आप ये चाहते हैं कि वो स्टोरी हमें वापस मिल जाए, अगर आपसे गलती से डिलीट हो जाती है कभी कभी और आप उसे वापस लाना चाहते हैं फ्रेंड्स कि वो स्टोरी हमें वापस से मिल जाए क्लोज फ्रेंड की, तो उसे वापस कैसे लाएँ, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। सो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। अब इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद है फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अपनी प्रोफाइल आइकन पे आ जाना है। प्रोफाइल आइकन पे आने के बाद आपको ऊपर की ओर थ्री डॉट दिखाई देते हैं, थ्री लाइन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर योर एक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, उनमें से आपको योर एक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद है फ्रेंड्स यहाँ पर अगेन आपको कई सारा ऑप्शन देखने को मिलते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। सो उनमें से यहाँ पर आपको रिसेंटली डिलीटेड का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके नीचे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा व्यू एंड मैनेज कंटेंट यू आर वी रिसेंटली डिलीटेड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपने जो भी क्लोज फ्रेंड स्टोरी डिलीट की है वो सारी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है फ्रेंड्स। सो कोई भी एक स्टोरी पे आपको टैप कर देना है, टैप करके क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं मोर का ऑप्शन मिल रहा है और थ्री डॉट मिल रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद है यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, डिलीट एंड रीस्टोर। अगर आपको यहाँ रिसेंटली डिलीट में से भी उसे डिलीट करना है तो आपको डिलीट पे क्लिक कर देना है, और अगर आप वापस लाना चाहते हैं, रीस्टोर करना चाहते हैं, रिकवर करना चाहते हैं सो आपको रीस्टोर पे क्लिक कर देना है। रीस्टोर पे क्लिक करने के बाद है फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अगेन दो ऑप्शन मिल जाते हैं, रीस्टोर एंड कैंसिल। सो फ्रेंड्स अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं सो कैंसिल पे क्लिक करना है, और रीस्टोर या रिकवर करना चाहते हैं तो रीस्टोर पे क्लिक कर देना है। रीस्टोर पे क्लिक कर दोगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर ये अपडेटिंग हो जाएगी। अपडेटिंग होने के बाद यहाँ पर हमने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है कन्फर्म इट्स यू टू रिस्टोर और परमानेंटली डिलीट कंटेंट। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको रिस्टोर करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा चूज़ वेयर यू वांट अस टू सेंड यू ए सिक्योरिटी कोड, यहाँ पर आपको कोई भी एक आपको यहाँ पर है फ्रेंड्स कोई भी एक जीमेल सेलेक्ट कर लेनी है, उसके ऊपर आपका कोड आएगा, उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पर फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर एंटर सिक्योरिटी कोड, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी कोड डालने पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स जैसे ही आप यहाँ पर कुछ टाइम लगता है सिक्योरिटी कोड में, तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, यहाँ पर 6 डिजिट का जो कोड आएगा उसे आपको यहाँ पर डाल देना है और कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद है फ्रेंड्स फिर आपकी जो इंस्टाग्राम स्टोरी थी क्लोज फ्रेंड की वो रिकवर हो जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी। सो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इंस्टाग्राम में क्लोज फ्रेंड स्टोरी को रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।